हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आपको हम जो दिखाने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन सेट बनके तैयार हुआ है, जिसमें हमने जो है एक रनर बनाया है और साथ में क्वेश्चन बनाए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हमने इनको किस तरह से बनाया है। और बिल्कुल जो बेड है तो उसमें एक अलग ही लुक आया है इसको बिछाने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि हमने बहुत कम बजट में किस तरह से अपने बेड को सुंदर बना दिया है। सबसे पहले देखिए, ये भी एक हम कट पीस लेके आए थे, तो जो पिछला कट पीस था वो भी हमारा 50-60 रुपए का था और ये भी 50-60 रुपए का ही है। और बाकी जो सारा था तो वो हमारा घर में ही जो कपड़े थे तो उसका यूज़ किया है। तो इधर पर बेड के नाप का जितना लंबा आपको रनर बनाना है, सबसे पहले हमने रनर बनाया है, तो रनर को बेड के बराबर का ले लिया है। और बेड से कम 4-4 अंगुल जो है तो इस तरह से, मतलब समझ लीजिए कि 2 इंच करीब हमने दोनों तरफ से छोड़ दिया था, जिससे कि थोड़ा सा नीचे लटकता रहे। और बस इधर पर जो है तो हमने इसको कट करके अलग कर दिया था और बहुत जल्दी हमने इसको बना दिया था। इधर पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ 150-200 रुपए में जो है तो हमने अपने बेड को बहुत ही सुंदर सा एक लुक दे दिया था। तो बस हमने ये लिया था और साथ में हमारे पास जो है तो ब्लाउज़ का एक पीस रखा था गोल्डन कलर का, उसको भी हमने इसमें लगाया है। और हमारी रुई जो थी तो वो घर की ही थी, तो इधर पर इसको निकाल के अलग कर दिया है। जो ये कपड़ा बचा है तो इससे एक छोटा सा हम पिलो भी बनाएंगे, रेक्टेंगल शेप का कुशन कवर बना लेंगे। और ये देखिए, एक पुराना कपड़ा बचा था जिसका हम अस्तर लगाएंगे, क्योंकि सिंथेटिक कपड़े में थोड़ा सा अस्तर लगाना अच्छा होता है, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। तो देखिए, कपड़े के बराबर ही जो है तो हमको इसका अस्तर भी कट कर लेना है, बिल्कुल एक बराबर का अस्तर कट करेंगे इसको। और इधर पर जो है तो हमने अस्तर को भी काट के अलग कर दिया था इस तरह से। तो बस देखिए, बहुत कम उसमें किस तरह से हमारा जो है तो रनर और कुशन कवर बन के तैयार हो गया है। तो बस इसको काट लिया है। अब इसके बाद जो है तो हमको मशीन से इसके चारों तरफ जो है, चारों तरफ नहीं, तीन तरफ हम सिलाई डालेंगे और एक तरफ जो है तो उसको खुला रखेंगे, क्योंकि इसको हमको पलटना भी पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि अब इसको हमको सिलना किस तरह से है। इधर पर देखिए, सबसे पहले हमने अस्तर रखा है, अस्तर के ऊपर ये एक कपड़ा रखा है जो कि हमने सीधे साइड से ही रख दिया है इस तरह से, और उसके ऊपर फिर से एक सीधा कपड़ा रखा है। ये देखिए, इस तरह से नीचे अस्तर है, उसके ऊपर सीधा कपड़ा और उसके ऊपर फिर से एक सीधा कपड़ा रख के तीनों तरफ से इसमें हम सिलाई लगा देंगे। जब इसको हम पलटेंगे तो अस्तर जो है तो हमारा बीच में आ जाएगा और जो ऊपर के एक कपड़े हैं तो वो दोनों साइड आ जाएंगे। और बस इधर पर देखिए, सिलाई लगा दी है तीनों तरफ से इस तरह से। और बस इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं करना था, इधर पर सिलाई लगा दी थी। और इसके बाद देखिए, इसको पलट देना है। पलटने के बाद आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से बन गया है। और आपको एक चीज़ बता दें कि अस्तर लगाने से जो रनर था, बेड रनर हमारा, तो वो क्या है कि बेड से सरकेगा नहीं और एक जगह अच्छे से जहाँ भी हम इसको लगाएंगे तो वो अच्छे से वहाँ पर लगा रहेगा। और बस इसके बाद जो इसके कॉर्नर हैं तो इसको इस तरह से कैंची से, पेन पेंसिल से, किसी से भी आप लगा निकाल सकते हैं, जिसमें कि कोने अच्छे दिखने लगे। इसके बाद देखिए, जो एक पार्ट बचा था सिलाई करने को, तो इस तरह से दोनों तरफ से फोल्ड करके और इसको भी एक सीधी सिलाई हमको लगा देना है। तो देखिए कितनी आसानी से जो हमारा बेड रनर है तो वो तैयार हो गया है। यदि इसको हम मार्केट में लेने जाते हैं, ये तो 500-600 से हमको कम नहीं मिलता है। बस इसी तरह से जो हमारा पिलो था रेक्टेंगल आकार का, तो उसको हमने इसी तरह से उसका भी अस्तर काट के और उसको भी सिल लिया है। बस इसमें अंतर इतना था कि दोनों पार्ट को हमने अलग अलग जो है तो अस्तर लगाए हुए हैं। ये देखिए, एक भाग में अलग अस्तर लगाया था और दूसरे भाग में हमने अलग अस्तर लगा दिया है। तो ये दोनों ही भाग बनके तैयार हो गए हैं। ये देखिए, अब इसको भी सीधे पे सीधा रख के और तीन तरफ से इसको हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से। देखिए, तीनों तरफ से हम सिलाई लगा देंगे और एक तरफ से जो हमारी कॉटन है तो उसको हम इसे भर देंगे। तो इधर पर ये हमारा पिलो जो है तो बनके तैयार हो गया है। बस इसमें जो हमारी रुई रखी हुई थी, पुरानी रुई है, तो इसको हमने इसमें फिल किया है। और बस इसको हाथ से या कंघी से आप अच्छे से खोल लीजिए, जिसमें कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी।
इस तरह से जो हमारा पिलो है और साथ में बेड रनर है तो वो बन के तैयार हो गया है। अब इसको जो सिलाई डालनी थी तो इधर पर फोल्ड करके इसको भी अच्छे से सिलाई लगा देंगे इस तरह से। और देखिए बस ये हमारा पिलो और रनर बन के तैयार है। अब ये देखिए इधर पर हमारे पास एक गोल्डन कलर का पीस डाला था तो बस इधर पर ये इधर कट कर लेंगे। करीब 4 अंगुल का ये चौड़ाई ली है और लंबाई देखिए इस तरह से इतना ले लिया है। करीब ये 1 फिट करीब की लंबाई थी 12 इंच की। और बस इसको जो लेके हमको कच्चे धागे से पूरा इधर पर कच्चे टाके लगा देना है इस तरह से। और बहुत ही सरल तरीके से एक फ्लावर बना के तैयार कर लेंगे। तो जो है तो इस तरह से जो हमको फ्लावर बनाना है तो छोटे बड़े आकार के बनाएंगे। तो जब इससे छोटा वाला हम फ्लावर बनाएंगे तो इसमें चौड़ाई और लंबाई थोड़ी सी कम ले लेना है, जिससे कि 3 तरह के हमने फ्लावर बनाए हैं। और देखिए जो ये हमने कच्चे टाँके लगाए थे तो इसको इस तरह से हमने सेट करके इधर पर नॉट लगा दी है। और नॉट लगाने के बाद फिर आप सिलाई लगा दीजिए इसमें तो अच्छा सा एक सुंदर सा फ्लावर बन के तैयार हो जाएगा। तो बस इधर पर आप ये देखिए इधर पर ये हमारा फ्लावर बन के तैयार हो गया है। और किनारे पे जो खुला हुआ भाग था ये देखिए इस तरह से कितना खूबसूरत लग रहा है। और गोल्डन कलर का जो है तो इस पर बहुत खूबसूरत फ्लावर लग रहा था जब रनर पे हमने इसको लगाया है। तो बस इधर पर भी सिलाई डाल के इसको टक कर देंगे। अब इसके बाद जो है तो पिलो पर हमने सिर्फ इस तरह से देखिए तीनों को हमको सेट कर देना है इस तरह से। और ऊपर जो है एक हमने ब्लैक कलर का बटन लगाया है। आप चाहें तो इधर पर कुछ भी और भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो फ्लावर है तो वो बन के इधर पर तैयार हो गया है। ये देखिए इधर पर हमको बटन भी लगाना था तो ब्लैक कलर का हमने इधर पर बटन लगा दिया है। अब इसके बाद आप इसको सुई से भी इसमें टक कर सकते हैं। हमने इधर पर जो है तो फैब्रिक ग्लू का यूज़ किया है। और बस इतना याद रखिए कि इसको सेट करने के बाद जो है तो कुछ देर के लिए इसको अच्छे से किसी चीज़ से दबा के छोड़ दीजिए, जिसमें कि ये अच्छे से उसमें लग जाता है। बस इसी तरह से आप देखिए हमने इधर पर रनर में भी 3 फ्लावर लगाए हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अब आपको ये बताना है कि मेरा जो कुशन है, रनर है, मेरा कुशन सेट है, वो आपको कैसा लगा। और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।